जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यमुनोत्री क्षेत्र का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर चारधाम यात्रा के बारे में फीडबैक लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्री अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शासन प्रशासन के प्रयासों को सराहा। इसी क्रम में सीएम धामी ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा संचालन को लेकर कहा कि यात्रा धामों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो जाने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए व्यवस्थित संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी को देखते हुए बिना पंजीकरण के यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान सभी यात्रियों ने यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी, उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर वर्क को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ा। अभी स्मूथ हो गई है यात्रा, मैं सभी यात्रियों से मिला भी हूँ, श्रद्धालु लोग आए हैं और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं, हमारा प्रयास है। और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूँकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है, जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर और भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करें, पूरी तरह से सुरक्षित करें। बिना पंजीकरण के भी आ रहे हैं साथ साथ। देखिए अभी चूँकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, वो परेशानी का सामना मैं करने सबकी आपका।